हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छा ही रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक यूनिक वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो हमारी एंटोर के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी जो एंटोर की बैटरी है, अभी तक 7 और 8 मंथ हुआ इसको लिया हूँ मैंने, तो अभी तक इसका बैटरी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। आज इसका बैटरी पूरा डेड हो चुकी है, कोई भी इसका अंदर पावर नहीं है। इसका इग्निशन ऑन करने के बाद भी इसका कोई मीटर जल नहीं रहा था, कुछ किक मारने के बाद स्टार्ट ऑन हुआ है। कैसा इसका बैटरी ड्रेन हो हुआ है वो आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ, और आप लोग का स्कूटी कैसे बचा सकते हो इस प्रॉब्लम से, वो भी पूरा सलूशन आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1K पूरा करीब है, तो आप लोगों से विनती है पूरा हमारी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड लोग, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम। तो गाइस देख लीजिए, हमारी एंटोर्क यहाँ पे खड़ा है और इसका जो बैटरी है वो इतना जल्दी क्यों लो हो गया, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो बैट ऑन कर रहा हूँ देख लीजिए, ऑन के करने के बाद पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, देख लीजिए बैटरी का जो एक आइकॉन है, कुछ प्रॉब्लम है बैटरी में वो दिखा रहा है। तो ये बैटरी का प्रॉब्लम कैसे आया आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग ऐसा प्रॉब्लम से दूर रहना, ठीक है। तो गाइस, हम हॉर्न दे रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रही है, तो जो हम लोगों का जो सामने का DRL है वो भी बंद हो चुकी है। इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो आप लोगों को बताता हूँ। इसका जो बैटरी है वो अभी पूरा लो हो चुकी है, क्यों लो हुआ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, हमारी सीट का नीचे एक लाइट रहते हैं ना, ये वाला लाइट, ठीक है, ये वाला लाइट की वजह से हमारी इस प्रॉब्लम आया है, ठीक है। इसका जो सेंसर है ये अभी काम कर रहा है, यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक सेंसर है, जब ये मैग्नेट यहाँ पे टच होती है ये लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। तो गाइस, 2-3 दिन पहले मैं गाड़ी को रखा और ये जो सेंसर की यहाँ पे जो मैग्नेट है यहाँ पे नहीं टच हो रही थी, इसका जो लाइट है वो बंद नहीं हो रही है, इसलिए 2-3 दिन ऑन ही रहा लाइट, उसी के कारण हमारी बैटरी जो है वो पूरा ड्रेन हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद मैं जो 4 स्क्रू है यहाँ पे 2 और नीचे 2, वो हम लोग अनस्क्रू करके दिखा कि यहाँ इसके अंदर जो वायर है, जो क्लिप है वो पूरा लूज हो चुकी थी, इसका जो सेंसर है उसका, तो हम लोग अच्छा से लगा दिया। उसके बाद अभी जो हम लोगों का जो सेंसर है वो काम कर रहा है, ऐसे ही जो प्रॉब्लम है आप लोग फेस कर रहे हो आप लोग। तो गैस, आप लोगों का बैटरी ड्रेन हो रही है तो आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये जो हम लोगों के साथ हुआ, इसका सेंसर काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा है, ये आप लोग चेक करा सकते हो। कोई भी मैकेनिक के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आपका मोबाइल का वीडियो ऑन करके इसके अंदर डाल देना, तो फिट करने के बाद, बंद करने के बाद आपका लाइट बंद हो जाना चाहिए, अच्छा रहे तो ये सेंसर, नहीं तो ऑन होके ही रहेगा आप लोगों का डिगी का लाइट, ठीक है। ऑन वीडियो करके आप लोग देख सकते हो, और ऐसा ही मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ अभी। तो इसका जो बैटरी का चार्ज है अभी तक पूरा नहीं हुई, तो हम लोग अभी गाड़ी को थोड़ा टाइम चलाएंगे, और अभी मैं किक से स्टार्ट मार रहा हूँ और बैटरी का जो पावर है थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो स्टार्ट मारने के बाद भी इसका जो हॉर्न है, जो टेल लाइट का लाइट है, ये सब काम कर रहा है, और उसका आगे जो हम लोग चाबी इग्निशन ऑन कर रहा हूँ उसी टाइम इसका कोई भी काम नहीं हो रहे है, हॉर्न इंडिकेटर और, ठीक है। देखता हूँ कुछ दिन के बाद इसका बैटरी फुल चार्ज होता है या नहीं होता है, कि खोल के इसका मैकेनिक के पास ले जाके चार्ज करना पड़ता है, कि देखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, ऐसा ही मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो आप लोगों को लेके अपडेट वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ऐसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहेंगे तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोग के एंटॉर्क के ऊपर, मोटिवेशन रिलेटेड और ये सब प्रॉब्लम रिलेटेड, मोटो व्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।